सेंट मरीज एक विंटर ट्रैवल डेस्टिनेशन है जो अपनी स्टनिंग और नेचुरल ब्यूटी टुगेदर विद द लग्जूरियस एमिनिटीज के लिए फेमस है। यहाँ पे काफ़ी रिच और फेमस लोग आते हैं। ये स्विस एल्प्स के एंगरडिन वैली में स्थित है। सो हम जिस ट्रेन में अभी जा रहे हैं, ये RHB की ट्रेन है, विच इज़ एक्चुअली अ जर्मन ट्रेन, एंड कूर से हम लोग चले, एंड दिस इज अ यूनेस्को रीजन, एज वेल एज द राउट हैज बीन क्रिएटेड, एंड इट्स अ हिस्टोरिक यूनेस्को हेरिटेज साइट है यहाँ पे, एंड इट गोज टू 196 टनल्स एंड अबाउट 57 ब्रिजेस। तो बहुत अच्छे अच्छे व्यूज आ रहे हैं यहाँ पे ब्रिजेस से। देखिए अभी नीचे की तरफ रिवर भी बह रही है, एंड ऑल दीज कोनिफरस ट्रीज आर देयर, वेरी यूनिक। वेरी यूनिक टू द रीजन द वेजिटेशन, एंड हम फिर इस टनल में आ गए हैं। द सीनरी इज जस्ट ब्यूटिफुल। हम लोग कूर पे उतरे, प्लेटफॉर्म 9 पे, फ्रॉम द ट्रेन जो ज्यूरिख से आई, एंड राइट अक्रॉस आर बोगी वॉज प्लेटफॉर्म 10। तो वहाँ पे हम प्लेटफॉर्म 10 पे चढ़े अभी, एंड वी आर टेकिंग द IR38, विच इज़ द विंटर रीजनल ट्रेन। जो ज्यूरिख से आए थे वो हम आए थे IC3 में, विच इज़ एन इंटर सिटी ट्रेन विच कनेक्ट्स मेजर सिटीज इन स्विट्जरलैंड एंड ऑल्सो गोज टू नेबरिंग कंट्रीज। कूर से अब हम लोग सेंट मोरीज जाएंगे। इट हैज़ अबाउट 3 स्टॉप्स बीच में बिफोर वी रीच एट 2 PM। द ट्रेन स्टार्टेड एट 11:58 AM, एंड दैट इज द स्की कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पे विंटर स्पोर्ट्स बहुत होते हैं। अभी ये दिस प्रॉपर्टी दैट वी आर गोइंग टू गो टू, वो बीच में विंटर सीजन के बाद बंद होता है। नाउ इट इज जस्ट रीओपन फॉर द समर सीजन, सो वी आर एक्साइटेड अबाउट गोइंग टू दिस मैड्रिड पैलेस। दिस इज द डाइनिंग कार। हम यहाँ सेंट मोरीज पहुँच चुके हैं, अभी हम ट्रेन से उतरे हैं, एंड हमारा शोफर आया है जो कि अभी गाड़ी लेने गया है। So we are just waiting with our luggage and looking forward to our car ride to the Bedrock Palace. Now we are sitting in the Rolls Royce and we are heading to the airport from the train station to the Palace Hotel. It's about a 3-minute car journey. Chota Sheher hai, and a very, very resorty place. Yes, how are you? Good afternoon. Good afternoon. Welcome to the Palace Hotel. Thank you. Hi, how are you? Fine. Doing well. I'll give you a quick hotel orientation if you don't mind. Plans for your stay? Plans for the stay? Yeah. Whatever you tell us. Okay. We'll go hiking, we'll go biking, we'll take it. Here for you, sir. Thank you. बेडरक पैलेस सेंट मोरीज का एक बहुत ही नामी और आइकॉनिक लैंडमार्क है। यह होटल 1896 में एस्टैब्लिश हुआ था और अब भी एक प्रीमियम लग्जरी होटल के रूप में जाना जाता है। इसमें 157 लग्जूरियस रूम्स और स्वीट्स हैं जो एल्पाइन व्यूज एज वेल एज लेक व्यूज एज वेल एज सिटी व्यूज के साथ आते हैं। अगर आप बेडरक पैलेस होटल में रहते हैं, देन डू नॉट फॉरगेट राइड लेने के लिए इन देयर फैंटम रोल्स रॉयस और देयर 1968 रोल्स रॉयस। दे टिपिकली कैन पिक यू अप ट्रेन के स्टेशन से आपको ला सकते हैं। इट्स अबाउट 3-4 मिनट जर्नी टू द होटल, एंड डेफिनेटली अ वेरी वेरी स्टनिंग राइड एज वेल एज अ ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस। आफ्टर वी चेक इन, उसके बाद हम पहुंचे सुफ्रेटा हाउस जो कि उन्होंने गाड़ी से ड्रॉप कर दिया था। वहां से हमने चेयर लिफ्ट लिया और ट्रुड्स रेस्टोरेंट तक की हाइट पे हम लोग गए। नाउ वी आर हियर नियर द माउंटेन टॉप, वी वर लुकिंग फॉर द पैराडिसो रेस्टोरेंट एज वेल एज यू कैन सी द लेक इन द डिस्टेंस एंड द माउंटेन्स विद द स्नो कवर्ड पीक्स। नीचे में बहुत सारी गाय भी थी। यहाँ पे लोग ज़्यादातर हाइकिंग और बाइकिंग के बहुत सारे ट्रेल्स हैं तो इसलिए आते हैं। हम लोग भी कल सुबह सोच रहे हैं आफ्टर ब्रेकफास्ट वील गो फॉर अ लिटिल बाइक टूर, टेकिंग अ माउंटेन बाइक और इलेक्ट्रिक बाइक।
ब्यूटीफुल वाटरफॉल, छोटा सा है बट देयर आर मेनी ऑफ दीज वाटरफॉल्स यहाँ पे एंड वेरी क्लीन प्रिस्टीन एरिया, वेरी क्लीन वाटर. अगले दिन हम सेंट मोरीज से पिज नियर के गोंडोला राइड के लिए निकले. ये हम लोग इस ट्रेन में जाएंगे टू द टॉप ऑफ सेंट मोरीज. एक स्टॉप पे चेंज करेंगे ट्रेन एंड देन वी विल टेक द नेक्स्ट वन. सो एक्साइटेड अबाउट इट. देखते हैं क्या क्या नजारा देखने को मिलते हैं. ये देखिए ये ट्रैक है, इस पे ये जाएगी ट्रेन. आई थिंक दिस इज लाइक अ कॉगव्हील ट्रैक. लेट्स सी. हम लोग अभी ट्रेन की राइड में जाएंगे ऊपर तक सेंट मोरीज तक. वी आर स्टार्टिंग हियर, फिर यहाँ पे रुकेंगे बीच में एंड देन वी विल गो टू द टॉप. कोविलिया से लिया है हमने केबल कार, अब जा रहे हैं हम लोग बिजनेस जो कि 3057 मीटर हाइट पे है. 3057. नियर तक पहुंचे 3057 मीटर्स पे, अब नीचे आए हैं मिड पॉइंट पे. ये कुर्बिलिया का एरिया है, यहाँ पे ऑडी की क्वाट्रो बार है जो आपको बैकग्राउंड में दिख रही है. केबल कार यहीं से जाती है ऊपर. यहाँ 2017 में वर्ल्ड्स की चैंपियनशिप भी हुई थी एंड स्पेशली विंटर में ये लोग स्की रन्स प्रिपेयर करते हैं यूजिंग मशीन्स एंड द ट्रैक्स फॉर द स्कीयर्स. यहाँ हम अब कोविलिया से नीचे जाएंगे सेंट मोरीज डॉट की तरफ जो आपको दिखा है. केबल कार से नीचे आए और यहाँ से ट्रेन लेके सेंट मोरीज की तरफ चलेंगे वाया कोविलिया. हाँ अभी नीचे आए हैं सेंट मोरीज आफ्टर द गोंडोला राइड. अब आप देखेंगे यहाँ पे ये वॉकिंग पेडेस्ट्रियन एरिया है. इन दिस एरिया यू विल नोटिस दिस पेडेस्टल दैट इज देयर. ये फंडामेंटली किया है सो दैट कि यहाँ से गाड़ी नहीं आ सके ऊपर. बट यू विल ऑल्सो नोटिस दी लाइट्स हियर जो कि लाल और हरी लाइट है. कुछ गाड़ियों के पास परमिट होता है, सेंसर्स हैं उनके पास, जब वो प्रेस करते हैं अपना बटन देन दिस होल पेडेस्ट्रियल जो है वो जमीन में अंदर चला जाता है. सो गाड़ी यहाँ से इसके ऊपर से जा सकती है. ये लंदन में है और जगहों में भी है यूरोप में. हमने यहाँ पर सेंट मोरीज में इलेक्ट्रिक बाइक भी रेंट की होटल से एंड वी वेंट अराउंड द लेक. बहुत ही प्यारा दृश्य है. हम यहाँ सेंट मोरीज में आए हैं सेलिंग के लिए. सो वी हैव रेंटेड अ सेल बोट एंड वी आर गोइंग टू द स्किपर. बोट नंबर 42. यहाँ पे कल रिगाटा भी हो रहा है तो देर आर मल्टीपल बोट्स विच हैव कम इन एंड आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ बिजी डे टुमारो. सो आई थिंक वी पिक्ड अ वंडरफुल डे. मौसम भी बहुत अच्छा है. हम लोग सबने लाइफ जैकेट पहन ली है एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू आवर सेलिंग ट्रिप टुगेदर. ये आप जो ऑरेंज सेल बोट देख रहे हैं ये कल आई हैं. देर आर 14 ऑफ देम जो आई हैं कल फॉर द रिगाटा फॉर द सेलिंग कॉम्पिटिशन. सो होपफुली दे आर एक्सपेक्टिंग द विंड टू पिक अप टुमारो मॉर्निंग व्हेन दे स्टार्ट सेलिंग. अभी विंड काफ़ी कम हो गई है तो ही इज ट्राइंग टू स्टार्ट द इंजन. इलेक्ट्रिक इंजन है एंड सो दैट वी कैन गो बैक टू द शोर. 47 years old. Okay. Born and raised in Belgium, but I came here when I was 21 years old. As a ski instructor, skiing, and then fell in love with the place, fell in love with my wife, and I stayed here. It's a
short version. Ski resorts actually are on the top. So here we start quite high. That's why you see still lots of snow. Fix a point somewhere there. Let's say, what should we fix? A little bit of snow still lying there in the forest. Here we go. Nice trip on Lake St. Moritz. Enjoying? Yeah, having a fun time. Okay. Beautiful perfect. Weather, nice and sunny. Beautiful weather. Hope the wind picks up a little bit. Will be some more action. That's where we started from the sailing club. Lake St. Moritz in the back. Palace Hotel here. Very nice. Let's go for some action. Okay, enjoy. से जा रहे हैं हम होटल की तरफ. आपको जो बैकड्रॉप में दिख रहा है जो ग्रीन स्पायर्स हैं वो पैलेस होटल है. नीचे में कुछ शॉप्स हैं. ये यहाँ पे आर्ट गैलरी है. So, tell us your name. Hi, my name is Giuseppe. I'm the concierge of the Bagus Palace Hotel. I'm pleased to announce you that our beautiful Roros Phantom 5th, which dates to 1968, just came back to the hotel after a complete renovation, and it is at your disposal tomorrow for a nice trip to the train station. Bye, St. Moritz.